हाय एवरीवन, दिस इज़ भावना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल पत्रकला। आज का मेरा वीडियो स्कूल समर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन मदर्स के लिए बनाया है जो अपना स्कूल प्रोजेक्ट्स खुद करते हैं और उनकी मदर्स उनकी हेल्प करते हैं। इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी काफ़ी सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स की क्लिप्स बनाई हैं जो आपको अपने स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। ऑल्सो अगर आपको कुछ अपने साइड से मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना है कि मैं उसके ऊपर वर्क करके दिखाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके स्कूल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो जो, तो यू कैन कमेंट बिलो सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मंडाला आर्या एक सर्कुलर फिगर है जो हिंदू और बौद्ध धर्म के बनाने को दर्शाता है। मंडाला आर्ट में मल्टीपल सर्कल्स होते हैं जिसमें सिमेट्री और बैलेंस के साथ सिमेट्रिकल पैटर्न्स को डाला जाता है। बहुत सारे लोग इसे मेडिटेशन के लिए भी यूज करते हैं। ये फैमिली फोटो फ्रेम बनाया है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक फैमिली हेड केयर बनाया है छोटे बच्चे के लिए। अगर आपको जैसे फैमिली रिलेटेड कोई भी क्राफ्ट या प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए आपके बच्चे के लिए, तो आप इसको बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन और बहुत अच्छा आइडिया है। कई बार हमें समर प्रोजेक्ट्स में एक या दो या चार पाँच शीटों का प्रोजेक्ट मिलता है और उसे सबमिट करने के लिए हमें समझना होता है किस तरीके की प्रेजेंटेशन दी जाए। तो उसके लिए ये मेरा एक सोल्यूशन है कि हम एक पेपर फोल्डर बनाएँ जिसमें हमने मैंने एक A3 साइज़ की शीट को लेकर हाफ फोल्ड किया और उसमें एक ब्राउन कलर की शीट को अटैच किया है और उसके अंदर मैंने अपनी 5 शीटों का प्रोजेक्ट रख के सबमिट किया। और अच्छे से इसे समझाने के लिए मैंने एक और प्रोजेक्ट के ऊपर इसको बनाया है। ये है इंग्लिश प्रोजेक्ट। इसमें 2 शीट्स मैंने इसमें डाली हुई हैं और क्योंकि ये 2 शीट का प्रोजेक्ट था तो ऐसे आप एक शीट का समेशन भी या 2 शीट का या और जितने भी शीट्स का आपका कम से कम शीट्स वाला समीशन होता है इस तरीके से दे सकते हैं। आप इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक पेपर फोल्डर बना के कम शीटों वाला प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं जो आपके टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक एग्जांपल ये भी है वोटर आईडी EVS प्रोजेक्ट। ये एक पेपर क्राफ्टेड राखी है। ये मैंने एक स्कूल की बच्ची को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराई थी और शी गॉट सेकंड प्राइज बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू आइडिया। स्कूल वालों को ऐसे चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो आप भी ऐसे कुछ डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट चीज़ें सोच सकते हैं। रामायण के 3 करेक्टर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये 3 करेक्टर्स मैंने 3D इफेक्ट के साथ बनाए हैं। कई बार स्कूल में बच्चों को 3D स्टोरी टेलिंग करेक्टर्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। दशहरा के मैंने बनाए हैं, आप इनको देख के कुछ और भी अपने बना सकते हैं। ये दिया पेंटिंग है। दिवाली के टाइम आपको ऐसे बहुत सारे कलरफुल दियाज डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं और आप अपने बच्चों से भी पेंट करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम अ पोएट, ये एक इंग्लिश प्रोजेक्ट था। इसमें बच्चों को अपने अकॉर्डिंग पोएम्स बनाकर लिखनी थी। उसमें मेरे को 3 टाइप के टॉपिक्स दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है और ये फाइल मैंने अपने हाथ से ही बनाई है। ये मैंने कोई स्क्रैप बुक यूज़ करके नहीं बनाई है। आप भी इस तरीके की फाइल्स बना सकते हैं। सोशल स्टडीज़ का ये प्रोजेक्ट भी मैंने A3 साइज़ की पेस्टल शीट्स को हाफ फोल्ड करके बनाया है। इसमें मैंने स्क्रैप बुक का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट काफ़ी नीट है। आप जब ये प्रोजेक्ट्स बनाएं तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे मेरी तरह आउटलाइंस अपने प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और थोड़ा नीटली अगर काम करें और अपने हेडलाइंस को डिफरेंट कलर्स के साथ ब्राइटनेस भी डाल सकते हैं। पिक्चर्स का यूज़ अगर आप प्रोजेक्ट में करते हैं तो आपकी फाइल और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा अगर सिंपल रखें, अननेसेसरी के कलर्स ना ऐड करें, अननेसेसरी की ड्राइंग्स या चीज़ें ऐड ना करें तो आपका प्रोजेक्ट सिंपल और बहुत सुंदर लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण,
ये फाइल मैंने बहुत ही छोटी A5 साइज की फाइल बनाई है और दिस इज़ सो क्यूट फाइल और ये हैंडमेड है कम्प्लीटली। ऐसी फाइल्स जब आप अपने स्कूल में सबमिशंस देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि टीचर्स को आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखते हैं और आपकी एक्स्ट्रा मेहनत दिखती है और आपका इंटरेस्ट दिखता है आपके वर्क को लेके, तो आपको टीचर्स आपसे ज़्यादा खुश भी होते हैं। आप इस तरीके के प्रोजेक्ट सिंपल भी हों और इसमें आपकी मेहनत दिखे तो यस टीचर्स को बहुत पसंद आता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्क्रैप बुक्स की जगह थोड़ी मेहनत करके अपने इस तरीके की फाइल्स बना सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं ये सेव बुक जो फाइल मैंने बनाई है वो उसी तरीके से बनाई है। इसका साइज A6 है, ये उस फाइल से भी और ज़्यादा छोटी है। इसमें सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस फाइल में भी मैंने आउटलाइंस का यूज़ किया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जहाँ पे भी आपको आउटलाइंस और ब्लैक कलर की आउटलाइंस का जहाँ पे भी यूज़ आप ज़्यादा करेंगे वो बहुत सुंदर लगता है। इसके अंदर मैंने सीड्स की पैकेट के भी लगाए हैं और बहुत ही क्यूट फाइल बनाया। आप जब इस तरीके का काम खुद भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आपके इस तरीके के काम देख करके और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत पसंद आई होगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये प्रोजेक्ट मैंने स्क्रैप बुक यूज़ करके बनाया है क्योंकि कई बार पेरेंट्स या बच्चों को स्क्रैप बुक बनानी नहीं आती है या उन्हें टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा साइड्स करने का, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी काम चला सकते हैं। देख सकते हो कि इसमें भी मैंने लाइन्स का यूज़ किया जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट लगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा था तो मैंने हर शीट पे जो आउटलाइंस नहीं डाली है और इट इज़ वेरी नाइस एंड क्यूट प्रोजेक्ट। अगेन इसमें मैंने आप देखो तो इलस्ट्रेशंस भी डाली हुई हैं और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है ये भी। ये मैथ्स का नंबर गेम प्रोजेक्ट था जिसमें से मैंने ये कार्ड्स अभी निकाले हैं, वो एक पेपर पेन पैकेट है। आप भी इस तरीके का पैकेट यूज़ करके अपने कार्ड्स को या इस तरीके के सबमिशंस को दे सकते हैं। इसमें मैंने 0 to 9 नंबर्स के नंबर लिखने थे तो मैंने वो लिखे और पीछे मैंने प्रिंट करके मोगली की पिक्चर लगाई है। आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं पर यस आप प्रिंट भी करके लगा सकते हैं अगर आपको ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती है या आप ड्राइंग करने में इतना टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बहुत सारे सबमिट करने हैं। एंड दिस इज अगेन वन सिंगल पेपर प्रोजेक्ट और बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के खाने पीने के ऊपर बनाया हुआ कलाज है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का फोल्ड देख रहे हैं इस तरीके का फोल्ड आपको ग्रीटिंग कार्ड या अदर गिफ्ट DIYs वीडियोज़ में देखने के लिए मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही कुछ अपने कलाज में डाला जाए क्योंकि कलाज में इतना स्पेस नहीं होता कि हम कोई एक्स्ट्रा राइटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकें, तो ये एक तरीका है जो हम अपने कलाज में इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ कि अपने प्रोजेक्ट्स की अगर आप आउटलाइन करते हैं तो उसमें एक अलग ग्रेस आ जाता है, तो आप डाल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के ऊपर बनाया है। अगेन मैंने इसमें ब्लैक आउटलाइन का यूज़ किया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें मैंने स्टोरी लिखी हुई है जिसके बैकग्राउंड में लाइट पेंसिल के शेड्स डाल के मैंने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है मॉडल या प्रोजेक्ट कैसे बनाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अपना टॉपिक। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू।